तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉक टेक प्रिंस। फ्रेंड्स, इजी पे ने फिर से एक नई एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया गया है, जिसमें आपको काफी सारी सर्विस लाइव देखने के लिए मिल जाएंगी और यहां पे आपको बहुत सारे बैंक अकाउंट ओपनिंग करने के लिए भी मिल जाएंगे, जहां पे आपको काफी अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है। तो आज की वीडियो इसी पे होने वाली है फ्रेंड्स, कि इसमें क्या क्या अपडेट के बाद हमें क्या क्या सर्विस देखने के लिए मिल जाएंगी, कौन कौन बैंक अकाउंट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो यहाँ पे लाइव कर दी गई है। तो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको नए नए अपडेट और नॉलेज वाली वीडियो मिलता रहता है। तो चलिए इस तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, साइड में मोबाइल स्क्रीन चल रही होगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे हमें क्या क्या सर्विस देखने के लिए मिल जाती है, या पहले मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड ही दिखा देता हूँ कि वहां पे हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो पहले का एप्लीकेशन में आपको जो यहाँ पे न्यू बैंकिंग का एक ऑप्शन नहीं मिलता होगा फ्रेंड्स। ये जो न्यू बैंकिंग है, ये न्यू बैंकिंग की जगह अकाउंट ओपनिंग का सर्विस का यहाँ पे जो है आपको जो है लोगो मिलता होगा। यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो है यहाँ पे जो लोगो मिला हुआ होगा, आप साइड में पुराना स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। पर अभी यहाँ पे जो है इजी पे ने यहाँ पे न्यू बैंकिंग का एक ऑप्शन कर दिया है, यानी कि यहाँ पे न्यू बैंकिंग में आपको काफी साथ ज्यादा जो है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मुफ्त बैंक करने के लिए 5 बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए था, पर वहां पे भी आपकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया है। वो कितना बढ़ाया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर नीचे देखें तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है इनकम टैक्स फाइलिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप मोबाइल से ही इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप कंपनी जो अपने प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे माइक्रोटिम हो गया, प्रिंटर हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके यूजफुल होते हैं, वो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, अगर आप इजी पे से लेना चाहते हैं तो। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कुछ नए अपडेट जो आइकन थे। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बताते हूँ सर्विस क्या क्या हमें यहाँ पे लाइव मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका था, तो इन्होंने बोला कि मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया गया है, जो कि कल किसी भी समय अपडेट हो जाएगा। हो सकता है कि आपको आज ही प्ले स्टोर पर मिल जाए जब ये वीडियो देख रहे हो, नहीं मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां से आप नया अपडेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सुविधा दी जा रही है, यहाँ पे न्यू बैंकिंग जो है लोगो बन गया फ्रेंड्स, जहाँ पे एक्सिस बैंक का करंट सेविंग अकाउंट ओपन होता था वहाँ पे न्यू बैंकिंग का लोगो आ गया है। और यहाँ पे एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट पहले से ही ओपन होता था, पर वहाँ पे फ्रेंड्स पहले जो है 200 रुपये कमीशन मिलता था, अब 250 रुपये कमीशन कंपनी ने कर दिया है। उसके बाद आप एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 350 रुपये तक कमीशन मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे कमिंग सून इज दिस मंथ, यानी कि इस मंथ बहुत सारी सर्विस लाइव होने वाली हैं, जैसे वाई नो पे लेटर, यहाँ पे कोई ऑप्शन होगा भी कंपनी ने इसके बारे में अपडेट नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ पे डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, लोन पैसा भी कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे IRCTC का ID भी रजिस्ट्रेशन आपको मोबाइल एप्लीकेशन से मिल जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वो जो मैंने बता दिया फ्रेंड्स, वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट को भी मैंने बता दिया, यहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे कैश डिपॉजिट अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले लाइव कर दिया था, तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था फ्रेंड्स, तो वहाँ पे उसको बंद कर दिया गया था। पर इस मंथ कैश डिपॉजिट को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करके आपके सामने पेश किया जाएगा और यहाँ पे कैश डिपॉजिट भी इसी मंथ चल जाएगा। यहाँ पे CMS की सुविधा भी बहुत जल्द आने वाली है और यहाँ पे इंश्योरेंस की सर्विस भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो है बैंक अकाउंट ओपन किस किस बैंक का हो सकता है। ये सबसे बड़ी चीज है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों ने 1180 रुपये का पेमेंट कराया, तो काफी लोग सवाल करने के यार इतना महंगा चार्ज क्यों। तो भाई, इतना महंगा चार्ज इसलिए लिया है इजी पे ने क्योंकि वहां पे आपको ओनली एक्सिस बैंक का अकाउंट नहीं मिलेगा, वहां पे आपको एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ओपन करने का मौका मिलेगा जो अदर कंपनी में आपको नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, वो मैं बता देता हूँ कि कौन से बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो है ये सर्विस आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए मिल जाएंगी इसी मंथ। यहाँ पे एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट तो चल ही रहा है फ्रेंड्स, करंट अकाउंट भी यहाँ पे जो है लाइव कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का भी जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हो और यहाँ पे आपको 125 रुपया पर अकाउंट ओपन करने का कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंडसइंड बैंक का भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको 125 रुपये कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइव मनी जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, न्यू एक्स जीरो बैलेंस जो है अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, इक्विटस का भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, एक्सिस का डायरेक्ट डीमेट अकाउंट जो है ये भी अकाउंट जो है ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टॉक
डीमैट अकाउंट होता है वो भी आप ओपन कर सकते हो और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये इतने सारे आपको जो सर्विस है फ्रेंड्स वो 1180 रुपये ही मिलेंगी। जिस रिटेलर ने पहले 1180 रुपये कटा के एक्सिस बैंक की सुविधा ले रहे हैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और जो लेने की सोच रहे तो उनको भाई अपने वॉलेट से 1180 रुपये तो कट कराना ही होगा, तभी आप इन सारे बैंकों का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी तो ये शुरुआत है फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट हैं जो यहाँ पे इंक्लूड होने वाले हैं। तो यही अपडेट था, आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और अभी तक आप इजी पे से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया हूँ, डिस्प्ले पे भी नंबर दे दिया हूँ, वहां से मेरी टीम से बात करके आप अपना आईडी पासवर्ड ले सकते हो और डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो, रिटेलर भी बन सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूं ऐसा यूनिक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।